जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष अभी चल रहा है और पितृपक्ष के ही किसी भी एक दिन जो आपको मन पड़े, जब आप फ्री रहें, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन इस एक उपाय को आपको कर लेना है। देखिए, आप भी चाहते होंगे कि हम भी अपने पितरों को खुश रखें और वे हमें आशीर्वाद देकर ही जाएं, लेकिन कई सारे आप नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो बस पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन एक दिन ये उपाय आपको कर लेना है। गुरु जी ने स्वयं इस उपाय को बताया है, उसे ही जन साधारण भाषा में मैं अब आपको बताने जा रही हूं। बस आपको रोटी के ऊपर रोटी को रखना है। दोस्तों, आपके जितने भी पितर हैं वो खुश होंगे और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखने के लिए आशीर्वाद देके जाएंगे। कैसे करना है, क्या क्या करना है और इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे, हर एक बात बताऊंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, गलती की गुंजाइश मत कीजिएगा। पितरों को खुश करने की बात है, क्योंकि पितरों का नाराज होना बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है आपको। एक बार अगर देवता नाराज हो गए तो वो मान जाते हैं, लेकिन पितरों को, रूठे हुए पितरों को मनाना बहुत मुश्किल है रे बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है, क्या क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि रोटी के ऊपर रोटी रखना है, लेकिन ये नहीं है यहां पर कि आपको दो रोटी लेनी है। जी नहीं, ठीक सुना आपने, दो रोटियां नहीं लेनी है, रोटी आपको एक ही लेनी है और उसी रोटी को आधा कर लेना है, दो भागों में आपको तोड़ देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं कि आगे क्या करना है। रोटियों को तोड़ ले, आखिर ऐसा करते क्यों है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। देखो, जो स्त्री होती है, महिला होती है, माना जाता है कि लड़कियां दो कुनों को तारने का काम करती है, यानी कि मायका और ससुराल दोनों पक्ष को तारती है एक महिला, यानी कि आपके घर की बहू। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान जितनी भी स्त्रियां होती है, चाहे वो बेटी हो या फिर बहु, इस उपाय को कर लेना है। क्या करना है, एक रोटी के दो टुकड़े करने हैं, उसके ऊपर जो परत होती है उसे आपको हटाना नहीं है, सिर्फ दो टुकड़े कर देने हैं और उसी के ऊपर आपको कुछ भी मीठा रख देना है। गुड़ रखते हैं, शक्कर रखते हैं, कुछ भी आपको मीठी चीज उसके ऊपर रख देनी है। कहने का मतलब ये है कि आधी रोटी के ऊपर आप थोड़ा सा कुछ भी मीठी चीज रख दें और उसके बाद जो आधी दूसरी रोटी है, परत है, उसी को उसी से आपको ढक देना है। अब क्या करना है, आप चाहे तो इसे गाय को खिला सकते हैं, कुत्ता अगर आपको दिख जाता है तो कुत्ते को खिला सकते हैं, या फिर कौवे को। ये तीनों ही प्राणी पितृ तुल्य समान होते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज दिख जाती है तो आप इस रोटी को जरूर खिला दीजिएगा पितृपक्ष के दौरान। खिलाने से होगा क्या कि आपके जो पितर हैं ना, वो तृप्त हो जाएंगे, कभी आपको किसी परेशानी संकट में पड़ने ही नहीं देंगे, हर चीज़ में वे आपके आड़े आ जाएंगे। पितृ पक्ष में आप उनको तारने का मौका पा रहे हैं दोस्तों, तो आप इस उपाय को चाहे तो रोज़ भी कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा होगा अगर आप रोज़ ही करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो कम से कम एक दिन तो आपको ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। कोई भी वैसे कर सकता है, लेकिन अगर घर की महिला करती है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो था पहला उपाय, अब चलते हैं बात करते हैं दूसरे उपाय की। लेकिन उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और पास वाला जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली रोज की नई वीडियो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। और अगर आप सच में सनातनी है तो अब तक तो आपने शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरी उपाय की। इसमें क्या करना है, बहुत ही मस्त उपाय है, छोटा सा है। आपके घर में लड़ाई झगड़ी होती है ना, हर घर में होती है, बात बात में कलेश हो जाते हैं, कोई भी बनती नहीं है किसी की आपस में, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, माता पिता में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। तो बस इस उपाय को, इस मौके को चूकना नहीं है इस पितृपक्ष के दौरान। इस उपाय में पहली जो सामग्री है वो है बड़ा सा गुड़, छोटा सा गुड़ मैं यहाँ नहीं कहूँगी, थोड़ा सा बड़ा गुड़ का टुकड़ा आप लेंगे और इसके साथ ही आपको लेने हैं दो शमी पत्र। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी शमी पत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तब क्या करें दीदी। अगर आपको शमी पत्र नहीं मिलता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप शमी पत्र के जगह पर दूसरे दो चावल के दाने ले सकते हैं। ठीक है, गुड़ ले लें, चावल के दाने ले लें या फिर शमी पत्र ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको लेना होगा एक नारियल, नारियल जूट वाला आपको लेना है और उस नारियल के दो भाग आपको कर देने हैं। ये उपाय भी आप किसी भी दिन पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी के भी ऊपर आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है कि हमें पितृ दोष लगा हुआ है या नहीं, तब भी आप इस उपाय को करेंगे, आपके पितृ दोष पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो आपको क्या
क्या करना है, जो नारियल है उसको बीच में से काट लेना है और उसी के अंदर ये जो गुड़ का टुकड़ा है टुकड़ा, और उसी के साथ साथ ही जो चावल दो दाने लिए हैं या फिर शमी के दो पत्र लिए हैं उसे अपने पितरों के नाम से उस नारियल के बीच में आपको रख देना है। अब इस नारियल को जिसमें आपने गुड़ और जो शमी पत्र है रखा है उसे अपने घर के हर एक रूम में, हर एक कमरे में आपको घुमाते हुए जाना है। हर जगह, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए, घर के कोने कोने में इस नारियल को आपको दिखाना है। इसके बाद इसे घर के अंदर आपको नहीं रखना है, आपको अपने घर के आसपास किसी भी वट का पेड़, पीपल का पेड़ या फिर बेल का पेड़, तीनों में से कोई भी पेड़ मिल जाए वहाँ पर जाकर मिट्टी में आपको इसे दबा देना है। बस इतना करना है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश होगा ही नहीं। पितृ दोष लगा हुआ है तो वो शांत हो जाएगा, परिवार तरक्की करेगा। तो इस उपाय को भी आप तुरंत कर लीजिए। अगर आपने आज वीडियो देखा है तो आज ही कर लीजिए, क्या पता कल आप फिर से भूल जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर क्यों करना चाहिए? अगर आप किसी को वीडियो करते हैं वो इस उपाय को करता है, अगर उसके जीवन के कष्ट कटते हैं तो आपको भी तो दोषों से मुक्ति मिलती है ना, क्योंकि ये पुण्य का काम है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस प्रकार की जितने भी उपायों के वीडियो होते हैं वो आपको सभी के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को बताना भूल गई, इसका टाइमिंग क्या रहेगा? तो ये जो टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे, पितृपक्ष के दौरान सुबह 10 से 12 के बीच ही इस काम को आपको करना है। होता क्या है कि इस समय जो पीपल का पेड़ या फिर वट या फिर बेल, तीनों पेड़ों के नीचे हमारे पितरों का वास होता है, तो इस समय अगर आप वहां पर नारियल रख कर आते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ होता है और उन्हें प्रसन्नता होती है। यही 15 दिन होते हैं आपके पास अपने पितरों को खुश करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। यहां पर उपायों की कोई फीस नहीं लगती है दोस्तों, इसीलिए बोलती हूं कि वीडियो को पूरा देख कर जाइए। अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए ताकि आपको पूरे परिणाम भी मिले। आधे परिणाम क्यों मिलते हैं? क्योंकि विश्वास अधूरा होता है और फिर कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई त्रुटि कर देते हैं उपाय को करने में। इसलिए जो भी वीडियो को एंड तक करता है उसके जीवन में ही सफलता आती है, क्योंकि उसने पूरी चीजें जान ली ना, समझ ली, तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो आप पूरे उपाय पूरे मन से विश्वास के साथ कीजिए और बागेश्वर धाम की शरण में हमेशा बने रहे, उन पर एकदम अंधे की तरह विश्वास कीजिए, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर तो करना ही है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।